बच्चे सब बच्चे एक्सरसाइज करके अभी हमारे मार्गदर्शक भी बोल सकते हैं और हमारे बुजुर्ग हैं वो भी कर रहे हैं और सब बहुत लोग करते हैं और ये भी करते हैं रोजाना देख सब रोजाना आते हैं। मगर क्या ये क्यों कर रहे हैं? वो ये जो मैंने एक दिन बताया था आपको एक कहानी के माध्यम से, जो चील होती है चील की आयु कितनी होती है? 70 साल। उसकी आयु 70 साल होती है, 70 साल में 40 साल जैसे उसकी एज हो जाती है, 40 साल के बाद उसकी जो चोंच है वो कमजोर हो जाती है और जिससे उसको पैर है वो भी काफी सॉफ्ट हो जाते हैं जिससे वो शिकार नहीं कर पाता है, पंख है वो भारी हो जाते हैं जिससे उनकी उड़ान नहीं हो सकती है। तो उस दिन सबसे दुखी होकर के और एक बहुत ऊंची अपनी जो अपने इलाके में ऊंची पहाड़ी है उसके ऊपर चली जाती है, शिकार कर नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो क्या है, परेशान है, दुखी होकर ऊंची ऊपर जाके बैठ जाती है और वहां पर अपना सबसे पहले पत्थर के ऊपर अपनी चोंच को रगड़ती है, चोंच को मारती है जिससे ये उसे पता है कुदरत नहीं देगी, चोंच को मार मार के तोड़ लेती है, लहूलुहान हो जाती है, फिर पीछे छोड़ती है, कुल मिला के चोंच को गिराई देती है। तो उसकी नई चोंच आती है, नहीं आती है कोई नाखून जैसा सिस्टम होता है, कैसा आता है, अच्छा ही आएगा। अब उसकी चोंच मजबूत आ जाती है तो उसके बाद वो क्या करती है, अपने पैरों को कुतरती है, इनकी वजह से मैं शिकार नहीं पकड़ पा रही और दुखी हूँ, उसको भी रगड़ती है पत्थरों में, चोंच से रगड़ती है, लहूलुहान हो जाती है, मगर लास्ट में पैरों के नाखून जो उनको खत्म कर देती है, नए नाखून आते हैं वो भी अच्छे आते हैं। जब ये दोनों होने के बाद अब उड़ने का प्रयास करती है तो नहीं पाती है, अपने पंखों को कुतरती है, पंखों को कुतर कुतर के कुतर कुतर के वो उनको भी एक तरह से नष्ट कर देती है, उसके नए पंख आते हैं। 40 साल के बाद एक नई सोच लेकर हर गांव में गरीब आई थी तो बोलते हैं पहले तो सभी गरीब थे, अकेले थे क्या? तो जो संघर्ष इन्होंने किया है आज भी अपना एक अच्छी जिंदगी, अच्छे स्वास्थ्य के साथ जिंदगी निकालने के लिए सुबह रोजाना आते हैं, हम ही चलते हैं उससे पहले आ जाते हैं मंदिर पर। क्यों? इनको कोई फौज भर्ती होना है बेटा, पुलिस में जाना है नहीं, इसलिए आते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। स्वस्थ रहना हर आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसलिए इनसे भी कुछ सीखना है हमें, मैं इसीलिए आपको यहाँ लेके आया मंदिर में।